सेठ जी की जय हो जय हो। 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 मोमेन जी, क्या हालचाल है हमारे नगर का? दही खाके आपकी कृपा से सब ठीक है सेठ जी। खुजला के सेठ जी, ये सारे लोग आपके पास अपनी समस्या लेके आए हैं खुजला के। हाँ हाँ, लाओ एक एक को दही खाके। चलिए चलिए, एक एक करके आइए सेठ जी। सेठ जी मेरा मुर्गा। क्या हुआ तेरे मुर्गे को दही खा के? सेठ जी मेरा मुर्गा अंडा नहीं देता सेठ जी। अच्छा मुनीन जी, आप इसके मुर्गे को अंडा दे दो दही खा के। सेठ जी सेठ जी मैं कैसे। चलो मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। सेठ जी की जय हो। सेठ जी की जय हो। सेठ जी सेठ जी, उसको खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती और उसको सोने के बाद नींद नहीं आती। नींद जी, आप इसकी बीवी को भूख और नींद दे दो दही खा के। ठीक है, मिल जाएगी खुद ला के। मुनीन जी, हमने आपसे नौकर ढूंढने को कहा था, मिला के नहीं दही खाके। सेठ जी मैंने इतना खोजा कि मिला ही नहीं कुछ लाके। अरे भैया, किसी को नौकर की जरूरत हवे का? हवे का? अरे भैया, किसी को नौकर की जरूरत हवे का? बोल तो रख लो मुला को मुंह धो के। सेठ जी मिल गया। अरे मिल गया। इसे क्या मिल गया? दही खा के। कोई मिल गया, कोई मिल गया, नौकर मिल गया, नौकर मिल गया। अरे भैया, किसी को नौकर का नौकर नहीं। इधर से आ रही है। कोई तो रख लो मोला को मुंह धो के। अरे भाई, देख के चलते नहीं बनता क्या? कुछ ना के चली के तो देख रहा हूँ मुंह धो के। क्या नाम है तुम्हारा? मोरना मुंह धो के। सेठ, क्या काम करोगे? सब कुछ करना पड़ेगा, कपड़ा बर्तन खाना कर लोगे ना कुछ ला के? हाँ हाँ, सब कुछ कर लूंगा मुंह धो के। ठीक है, तो चलो फिर सेठ जी के यहाँ। सेठ जी देखिए तो, क्या नाम है तुम्हारा? दही खा के। मोर नाम। हाँ, ठीक है, जाओ काम करो। सेठ जी अपनी दोस्त की बात हुई नहीं? हाँ, तू बता कितना लेगा दही खा के? नहीं सेठ जी, आप ही बता दो। चल ठीक है, तू 20 रुपया ले ले दही खा के। नहीं, मैं 20 नहीं लूंगा। तो कितना लेगा? नहीं, मैं लूंगा ही नहीं 20। तो कितना लेगा? नहीं, मैं लूंगा ही नहीं 20। अरे बाप, लेगा कितना? मैं 18 लूंगा। अरे पगले, 18 बड़ा होता है कि 20? 18 20 18 20 18 20 18 20। अरे चुप, तू बता 18 कैसे बड़ा होता है? देखो 20 8 2, अब देखना 18 18 1 2 3 4। हाँ ठीक है मेरे बाप, तू 18 रुपया ले लेना दही खा के।
जी सेठ जी मुंह धो के ठीक है जाओ काम करो। अरे बगले नमक खत्म हो गया नमक खत्म हो गया। इतना बड़ा शेफ हूँ चिल्ला के बदनामी करेगा क्या? आज के बाद ऐसी कोई भी बात होगी सीधा मेरे कान में आके बोलना समझा? दही खा के जी सर जी मुंह धो के बाप बन गया। अरे पगले इतनी खुशी की बात है तू मेरे कान में आके बोल रहा है। सुन अब ऐसी कोई भी खुशी की बात होगी तो मेरे कान में आके मत बोलना गाजे बाजे के साथ आना समझा? जी सेठ जी मुंह धोके आपके घर में आग लग गई। आग क्या 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 मेरे घर में आग लग गई और तुम बैंड बाजे के साथ आ रहे हैं? शेरी अभी तो आ रहा जब मैं पहली बार आता तो कान में की बोला जब मैं कान में आके बोला तो आप बोलते हो गाजे बाजे के साथ आ रहे और जब मैं गाजे बाजे के साथ आया हूं तो भाइयों एवं भाइयों की बहनों जैसा आप लोगों ने देखा कि हमारे सेठ जी ने बिना सोचे समझे ऐसा नौकर रख लिया और उसका बुरा परिणाम आप लोगों ने देखा कि उनके साथ क्या हुआ। तो अगली बार से आप कोई भी काम करें तो सोच समझ के करें अन्यथा हमारे सेठ जी जैसा हाल हो जाएगा आपका। खुजलाएं।